हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पर्पल क्रिएशंस। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पर्पल क्रिएशंस। आज इस वीडियो में आपके लिए एक बेबी बूटीज लेके आई हूँ। ये देखिए, ये मैंने 6 मंथ के बेबी का बनाया है। ये देखिए, इसको मैं अभी अटैच कर दूंगी इसके साथ, इस तरीके से ये बनेगा। इसके लिए मैंने 4 ply की वूल यूज़ की है और 11 नंबर की सिलाइयाँ यूज़ कर रही हूँ मैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने इसके लिए 36 फंदे डाले हैं। अगर आप इससे छोटा बनाना चाहती हैं तो 34 फंदे डाल सकती हैं इसके लिए। तो चलिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले ये मैं ये पूरा पैटर्न उल्टा उल्टा ही बनाऊंगी। बस 3 फंदे जो बीच के हैं वो सीधी तरफ से सीधे बुन जाएंगे, उल्टी तरफ से उल्टे। देखिए इस तरीके से। ये देखिए, ये 6 फंदे मैंने पहले उल्टे बुन लिए। 6 के बाद फिर मैंने उनको पीछे किया, 3 फंदे सीधे। ये देखिए, 3 फंदे सीधे बुन लिए, उसके बाद उनको आगे की और ये सारे फंदे उल्टे बुने जाएंगे। चलिए से मैं इस रो को कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये फर्स्ट रो मैंने कंप्लीट कर ली है। ये राइट साइड है। अब मैं रॉन्ग साइड पे पूरी सिलाई में उल्टी उल्टी बुनूंगी इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से ये पूरी रो में कंप्लीट करती हूँ। ये देखिए, ये रॉन्ग साइड कंप्लीट हो गई। अब मैं राइट साइड पे हूँ तो राइट साइड पे वही 6 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 और फिर 3 फंदे सीधे। और बाकी सारे फंदे जो 27 है वो उल्टे ही बुने जाएंगे। इस तरीके से ये रो मैं कंप्लीट करूंगी। और ये देखिए, 1 और 2 लाइन बन चुकी हैं। इसी तरीके से मुझे ये 16 लाइनें बनानी है और यही पहले 6 फंदे उल्टे, 3 फंदे सीधे। तो ये जी वाला, ये जो ये है ना, ये वाली लाइन आती जाती है। ये 3 फंदे सीधे की है, 6 फंदे उल्टे हैं पहले स्टार्टिंग के, फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। अब मैं ये रो कंप्लीट करके पूरी 16 लाइनें बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से मैंने ये 16 लाइनें बना ली हैं। 4 6 8 10 12 14 16, ये 16 लाइनें बन चुकी हैं। अब इसके बाद हमें इस तरीके से, देखिए मैं बताती हूँ, पहले 6 फंदे हम बुनेंगे जैसे बुनते आ रहे हैं। छह फंदे हमने उल्टे बुन लिए और 3 फंदे सीधे, 1 2 3।
इसके बाद हमने 11 फंदे और उल्टे बुनने हैं। ये देखिए, एक दो तीन चार पाँच छ सात सात आठ ये नौ दस और ये 11। ठीक है, 6 और 3 9 और 11 20 फंदे हो गए। अब हमें इन 20 फंदों को ही बुनना है। इन फंदों को इसी सिलाई पे छोड़ देते हैं और इस तरीके से अब मैं सिलाइयों को टर्न करूँगी और ऐसे अब 20 फंदों को मैं उल्टा बुन लूँगी। ये रॉन्ग साइड पे मैंने बुन लिए 20 फंदे। अब फिर टर्न करके इसको फिर मैं इसी तरीके से 20 फंदों को बुनूंगी। पहले मैं 6 फंदे बुन लेती हूँ उल्टे। और उसके बाद 3 फंदे सीधे बुन लेती हूँ और बाकी ये 11 फंदे उल्टे बुन लेती हूँ। तो ये टोटल 20 फंदे हो जाएंगे। ये राइट साइड है, यहाँ आप इधर एक मार्कर लगा सकती हैं। जो मैंने 16 रो बनाई है इधर एक मार्कर लगा सकती हैं, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आगे कितनी और रो बनानी है हमें। ये देखिए 20 फंदे मैंने बना लिए। अब देखिए इस तरीके से ये 16 रो बनाने के बाद 2 रो और बन गई हैं इधर ऊपर। इस तरीके से मुझे 17 रो बनानी है। ये वाली 17 लाइनें बना ली हैं, ये वाली जोबरी हुई है इस इनको 17 लाइनें बनाने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ। तो इस पोर्शन को बुनना नहीं है, सिर्फ इन 20 फंदों को ही आगे बढ़ाना है और टोटल 17 लाइनें बनानी हैं। तो मैं आपको ये बना के फिर दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ तक मैंने 17 लाइनें बना ली हैं। ये वाली जो उभरी हुई है ये वाली 17 लाइनें, और ये पहले जो बनाई थी वो 16 थी। फिर उसके बाद मैंने 20 फंदों की 17 लाइनें बनाई हैं। अब इसके बाद ये देखिए, ये एक दो तीन चार पाँच 6 फंदे उल्टे बुने, 3 फंदे सीधे। ये पूरे सॉक्स में ये इसी तरह बनेगा, 6 उल्टे 3 सीधे और बाकी फंदे सब उल्टे बनेंगे। अब ये 11 फंदों को मैं उल्टा बुन लेती हूँ। इस तरीके से इस सिलाई में मैंने ये 20 फंदे बुन लिए हैं। और जो अब मैंने ये फंदे छोड़े थे इस सिलाई में, अब मैं इनको भी इसके साथ ही बुन लेती हूँ। इस तरीके से ऐसे तरीके से पूरा मैंने 36 फंदे बुन लिए।
और अब जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में पूरे 16 रोज बनाई 16 लाइनें बनाई हैं, इसी तरह मैं इधर भी 16 लाइनें बनाऊंगी। एक बार और दिखा देती हूँ आपको, ये रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड में सारे फंदे उल्टे बुने जाएंगे। ये देखिए एक रो कंप्लीट कर ली है मैंने, दोनों तरफ से, सीधी तरफ से और उल्टी तरफ से बुन के एक रो हो गई है। अब इसके बाद मैं इसी तरीके से 15 लाइनें और बनाऊंगी, एक लाइन दो रो से बनती हैं, तो टोटल मैं अब 30 लाइनें और 30 रोज और बनाती हूँ, और वो भी इतना पोर्शन बन जाएगा, 16 लाइनें हो जाएंगी और 16 इधर हो जाएंगी। फिर उसके बाद मैं सारे फंदे बंद करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये मैंने 16 रो कंप्लीट कर ली हैं, इसके बाद लाइनें 16, ये जो लाइनें 16 हैं इसको मैंने कंप्लीट करके ये सारे फंदे मैंने बंद कर दिए हैं, और थोड़ा सा मैं इसको बड़ा ऊन काटूंगी ताकि सिलाई में काम आ जाए। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ ये कैसे सिलाई करनी है। ये देखिए इस तरीके से इस फंदे को मैं ऐसे कर बंद कर लेती हूँ, ये बंद हो गया। अब ये हमारी राइट साइड है तो इसको हम ऐसे कर देते हैं, ये उल्टी साइड से सिलाई होगी इसकी। ये जो तीन फंदे इसी तरीके से ऐसे मिलाते हुए अब इन फंदों की हम इन इस तरफ की हम सिलाई कर देते हैं। दोनों तरफ का एक एक फंदा लेते हुए ऐसे सिलाई कर देते हैं। मैं यहां से यहां तक सिलाई करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहां से यहां तक मैंने सिलाई लगा ली है। अब जो ये हील का पोर्शन है इसको मैं थोड़ा इस तरीके से सिलाई करूंगी ऐसे। ऐसे और ये थोड़ा सा ऐसे, ये देखिए इस तरीके से, और इसको थोड़ा सा मैं खींच लेती हूँ। देखिए थोड़ी सी ऐसे ये हील की तरफ से गोलाई आ जाएगी, और इसको मैं यहीं पर एक नॉट लगा के इस हिस्से को मैं ऐसे बंद कर देती हूँ। एक और नॉट लगा के ये अब ये थोड़ी सी गोलाई आ गई हील में, और बाकी अब ये वाला हिस्सा यहाँ तक 1 सेंटीमीटर छोड़ के इधर तक मैं अब सिलाई लगाती हूँ। ये देखिए अभी सिलाई लगा के अभी इतना हिस्सा हम छोड़ देते हैं, इसको हम ऐसे बंद करते हैं। ये देखिए यहाँ से ऐसे 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 उनको एक एक फंदे में लेते हुए सुई को, और ये देखिए ऐसे और ये ऐसे लेके इसको मैं अच्छी तरह से कस लेती हूँ, टाइट हो जाता है ऐसे कस के, और इसको मैं यहीं बंद कर देती हूँ। यहाँ से हो गया इसको नीचे का फिनिश हो गया। ये देखिए अब मैं इसको अब इस साइड का ये हील का पोर्शन गोल हो गया और ये आगे
ये देखिए इस तरीके से ये सोल बन गया। और अब ये वाला पोर्शन और मैं आपको बताती हूँ कैसे बंद करना है। ये देखिए अब इस हिस्से को मैं इस तरीके से एक एक फंदे में सुई डालते हुए इधर तक सुई डाल के और ऐसे धागे को निकाल लेती हूँ। सो ऊन को इतना बना के और इसको दो बार नॉट लगा देती हूँ। पहले तो मैं इसे कस दूंगी, इसको ऐसे टाइट कर देना है, फिर एक बार और नॉट लगा के ये देखिए ये हो गया। अब मैं इसको कट करके नीचे ले लूंगी इसको। इसमें मैं इसी तरह ये वाली बटरफ्लाई लगा दूंगी, अभी मैं आपको दिखाती हूँ तो ये कवर हो जाएगा। इस तरीके से ये बटरफ्लाई लगा दी है मैंने। आप इसमें बटन या बो बना के कुछ भी लगा सकती हैं। ये बो है, सॉरी बो लगा दी है मैंने। तो मैं आपको भी ये कंप्लीट करके पूरा दिखाती हूँ इस तरीके से अटैच करके। ये देखिए ये कंप्लीट हो गया।